नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आम जनमानस में डायल 112 की उपयोगिता एवं मिलने वाले सुविधाओं के प्रचार प्रसार की जागरूकता हेतु आयोजित किए गए नुक्कड़ नाटक। आपको बता दें तो अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 लखनऊ के निर्देशन एवं यूपी 112 क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ शुभम अग्रवाल की उपस्थिति में यूपी 112 के प्रचार प्रसार हेतु यूपी 112 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं में जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला PRV, नाइट स्क्वाड एवं सवेरा योजना के आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद में 26/2/2024 से 5/3/2024 तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आजमगढ़ की पुलिस एवं PRV के सहयोग से आम जन को जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें तो 26/2/2024 से 5/3/2024 तक कुल 9 दिवस में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के कुल 27 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डायल 112 के प्रति लोगों में विश्वास की भावना जागृत हो सके तथा डायल यूपी 112 का सही समय पर प्रयोग कर डायल 112 के माध्यम से पुलिस के सहयोग से किसी भी समय सभी व्यक्तियों, चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हो, दिव्यांग हो या महिला हो, को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा सके और उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए त्वरित एकीकृत आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सके। नुक्कड़ नाटक के आयोजन में के क्रम में थाना कोतवाली आजमगढ़ के अंतर्गत पहाड़पुर चौराहा से नुक्कड़ नाटक का शुभारंभ सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल IPS के नेतृत्व में किया गया। यूपी 112 मुख्यालय के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम क्रिएट किया गया है, जिसमें 26 फरवरी से 5 मार्च तक कुल 9 दिवस तक जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक प्रयोजित किया जाएगा, जिसके द्वारा लोगों तक जागरूकता फैलाई जाएगी, 112 की जो उपयोगिता है और उसको जो लोग यूज कर रहे हैं और अपना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसी से संबंधित नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था की गई। सर, किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है, LED लगी हुई है और तमाम चीज़ें, क्या क्या है इसमें? लोग आए हैं, लखनऊ से ही आए हैं, जो कि अपना कुछ नाट्य प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा लोगों तक डायरेक्ट उन तक मैसेज पहुंचेगा कि 112 की उपयोगिता क्या है। बाकी हमारे जो 112 की यहाँ टीम है, उनको वो पूरी सहायता प्रदान करेगी।